हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है रोजी नीतू के ब्लॉग में। और आज हम दिखाने वाले हैं बहुत 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 अच्छा चीज जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे और बहुत लोगों के घर में वो पेड़ होगा पर वेस्ट जाता होगा। तो आइए हम दिखाते हैं आज क्या बनाने वाले हम लोग। कम ऑन, तो यहाँ आग जल के तैयार है और इसके अंदर क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसके अंदर है काजू, काजू डाला हुआ है। दीदी लाइफ स्कूल है बस की बात, हम लोग इसको फोड़ निकाल के डाल दिए इसके अंदर, मम्मी डाल दी है। और जब निकालेगी तो हम दिखाएंगे इसको, टेस्टिंग करेंगे हम लोग कि ये सच में काजू निकल रहा है कि नहीं। तब तक के लिए ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू रहिए। ये देखिए मम्मी और आग उसमें डाल रही है ताकि अच्छे से पक जाए, एकदम सुनहरा कलर हो जाए। उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे और फोड़ेंगे इसमें से काजू निकलता है या किसमें निकलता है आपको। और इसके अंदर है क्या है, तो आप लोग को पता ही होगा, आप मेरे ब्लॉग में देखे ही है कि पहले जो आग था वो लग रहा था कि बुझ गया, लेकिन देखिए काजू डालते ही एक अचानक से इसमें अजूबा सा एक फीलिंग आ रहा। देखिए आग कैसे लहर रहा है और काजू को पूरा जल रहा है, काजू से आग निकल रहा है। तो ऐसा आप लोग नहीं देखे होंगे, तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू करिएगा, आप लोग को हर चीज हर एक छोटा से छोटा वीडियो देखने को मिलेगा। अच्छा लग रहा, तो टेस्ट कैसा है? अच्छा। बहुत अच्छा है ना, तो लाइक दे दीजिएगा। आपको जहानाबाद से बुलाए हम लोग, बहुत खर्चा करते हैं। तो ये नीरज टेस्ट करते हुए, नीरज आप बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। तो ये देखिए, ये वही शख्स है और वही नीरज है, ये देखिए। तो मिस्टर गोलू आपको बुझा रहे हैं और नीरज एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा टेस्ट है, तो कृपया हमारे चैनल को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये नीरज काजू टेस्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली काजू हम लोग का सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा जल गया, तो कोई बात नहीं। इसका टेस्ट कैसा आता है नीरज अभी खा के बताएंगे, तो ब्लॉग में बने रही है। हमारे नीरज, वही नीरज जो जहानाबाद से आए हुए है काजू का टेस्ट करने के लिए कि काजू कैसा लग रहा है और कैसे चल रहा है, इसका कितना ज्यादा आग है ये आप लोग देख सकते हैं। और जब भी काजू को पकाए तो सावधानी बरतते हुए, इधर ये देख सकते हैं इनका आज शादी है और पार्टी हो रहा है, चुनना पड़ेगा। तो के काजू कुछ फोड़ने के बाद इस तरीके का निकल के आ रहा है, जो कि नीरज अभी खाने के लिए अपना निकाल रहे हैं। तो थोड़ा हमें भी टेस्ट कराए नीरज की टेस्ट कैसा है। अरे तो इसमें तो थोड़ा नमक और मिर्ची डाल देंगे तो पूरा भुना वाला काजू हो जाएगा जो मार्केट में मिलता है। नहीं, ये नहीं भाई, को आग में घुसाई में दूंगा। तो दिखाइए अगवा के किए से तो थोड़ा सा काट देगा, हो जाएगा। ये है दीदी का स्कूल का काजू, अब बहुत ही अच्छा है। तो हम अभी आपको इसका टेस्ट करके बताते हैं कि ये काजू आखिर है कैसा। खाने से पहले बताना चाहिए कि मिस्टर गोलू को काजू के राख खिला दिए, तो गोलू आज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इनका शादी है, बेचारा काले हो जाएंगे। तो ऐसी लड़की भाग गई थी तो हम लोग खोज के लाए है, अब फिर से भाग जाएगी। तो यही वो शख्स है जो कांड्रा से आए हुए हैं दूल्हा बन के हमारे घर में, इनके लिए हम लोग लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर किसी के नजर में लड़की हो तो संपर्क करें और उसको दहेज में हम लोग दहेज देंगे, दहेज में मिलेगा 4 लिट्टी और चोखा। ये हमारा टमाटर बैंगन पक चुका है, तो हम लोग इसको पहले मिट्टी इसमें लग गया, मतलब जो गोईठा का राख होता है ना वो लग गया है, तो इसको हम पहले धो लेते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आज मेरा जैकेट है, वो लगा दे क्या देखिए आपको थोड़ी चला दे करिए होने लगी है तुरंत लगेंगे। तो ये है काजू, अभी मेरा मुंह में जाएगा और हम बताते हैं रियल टेस्ट आपको कैसा है।
बहुत मस्त है। तो अगर काजू भी खाना है तो 10 नंबर गली आप लोग संपर्क कर सकते हैं आरपी सिंह घर, किसी से भी पूछेंगे बोल आईडी में तो कोई भी बता देगा। और मेरे से मिलना होगा तो जरूर आइए। देखिए हम लोग का लिट्टी बिल्कुल पक के तैयार है और ये जाएगा अभी मेरे पेट में। तो कैसे जाएगा मेरे पेट को दिखाते हैं। बहुत टेस्टी बन रहा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर झांक के कि अच्छे से ये पका हुआ है। इसको हम खा के टेस्ट तो बता ही दिए, अगर आपको खाना है तो 10 नंबर गली में आ जाइए। क्या आ रहे हैं काजू, काजू को अभी हम लोग पकाएंगे और इसका चटनी बनेगा। ब्लॉगिंग कर लीजिए अभी बड़े काजू के पढ़े है। हम आंसर पढ़े हैं बेटा। देखिए काय के लिए सिकंदर आता है, सर पहले बता दो। बूदा बूदा मारते कुछ किस बात से बेहद चीर से बूदा मारते को देख लिए कैसे बोलती है वो। एम 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 नाम रखवाना चाहते थे। कैसे बोलती है माँ रश्मि, कैसे बोलती है मम्मी, मत बोलिए ना एक बार बताइए ना मम्मी। तो देखिए फिर बोल रही है, यही वो इंसान है जो मम्मी मना कर रही है पानी नहीं डालने, पर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं हमारे ब्लॉग में ये कितने बदमाश इंसान है। ये देखिए ये पानी का नदी नदी बना रहे हैं। देखिए मेरे को नीरज क्या डाल दिए लगा दिए हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा कि ये गलत है कि नहीं, कोरा चेहरा में ब्लैक नहीं सूट कर रहा है ना। अब नीरज को टमाटर लगा दिए, लीजिए मम्मी आलू धो रही है क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा कि बहू अकेले काम करे। और कैमरा मैन कौन है, हमारी छोटी सासू माँ, हम आपको दिखाएंगे कि कैमरा मैन कौन है। और तब तक हम टमाटर छील रहे, देखिए हम बैगन छील रहे बैगन, लेकिन बैगन का आधा बैगन छिलका में निकल जा रहा है। तो लग रहा है कि क्या क्या छीलते हैं हम लोग, ऐसे केला छील रहे हैं। तो फाइनली हम लोग का खाना हो गया कंप्लीट और अब हो रहा है सोने का तैयारी। तो मिस्टर नीरज इधर है, हम हैं और अभी इंस्टा पे लाइव आएंगे, उसके बाद सोएंगे। तब तक ले बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर।